Assalamu alaikum and very good morning to all. Subha khair. सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही है. और जी मैं आ गई थी ज़रा वॉक के लिए लॉन में, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी गपशप कर ली जाए और मौसम देख लिया जाए. बहुत ही अच्छी सी आवाज़ जो है वो आ रही है. और क्या लगा हुआ है जी? ये लगा हुआ है अनार, लगा हुआ है अनार के बाद ये भी अनार का ही दरख्त है. इस पे देखिए छोटा सा अनार माशाल्लाह लगा हुआ है. अच्छा वैसे अनार के भी बेनिफिट्स की अगर बात की जाए ना फॉर स्किन, तो कहते हैं इसके जो फूल होते हैं उसको ड्राई करके एंड यू कैन मेक अ पाउडर, और उसको आप जब भी कोई मास्क वगैरह लगाएं तो उसमें ऐड करना चाहिए इसको. अच्छा जी, लॉन में मैंने तकरीबन 20 मिनट्स वॉक की और उसके बाद मैं आ गई टेरेस पे. टेरेस पे आकर जी मैंने पानी का किया फुल टाइम इनटेक, क्योंकि स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके बाद एक बड़ा सा मग कार्डमम टी का, जो कि मेरे लिए मॉर्निंग में एनर्जी बूस्टर होता है. मैंने टेरेस पे बैठ के जो है वो चाय पी और बच्चे जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि वेदर मॉर्निंग में बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा होता है. तो मॉर्निंग में ना अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हरकत में बरकत है. और जो मॉर्निंग में उठने का मज़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बहुत अच्छी हैबिट है कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठने वालों में से हूँ. तो मैंने चाय को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बैठ कर. फिर मैंने अपनी रूटीन ज़रा रिकॉल किया आज मैंने क्या क्या करना है. तो आज मैं क्या क्या करूँगी उसके लिए आपको मेरा वीलॉग जो है वो वॉच करना पड़ेगा जी. मज़े के कमेंट्स भी कर दिया, अगर इतनी मेहनत से मैं वीलॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को रेमेडीज़ भी बताती हूँ, आपको मैं रिव्यूज़ भी करती हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के. तो उसके बाद मैंने चेंज वगैरह की और मैं चली गई जी बाहर. बाहर मैं कहाँ गई जी? एम मलम रोड पर मैं जा रही हूँ इस टाइम. दोपहर का आई थिंक सो 1 o'clock हो रहा है. एक मुझे जगह जाना था, एक सलोन है, उन्होंने मुझे कहा था जी हम लोग आपका चाहते हैं मेकओवर करना, सॉफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेरी करनी थी. तो उसके लिए मैंने कहा चलें, टाइम जो मैं मुझे उन्होंने दिया हुआ है मुझे उस टाइम पे ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ में जो टाइम है ना उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. एक एक वक्त ज़िंदगी का बहुत कीमती है. तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जो मुझे बुलाएं अगर कहीं, तो मैं वहाँ पर तकरीबन आधा घंटा पहले ज़रूर पहुँच जाऊँ. शॉप्स वगैरह भी सारी खुल गई हैं और गर्मी भी फुल टका के गर्मी हो रही थी. और फिर मैंने कहा चलें अब मैंने जाना तो है, मैं आप व्लॉग भी बना लेती हूँ. अच्छा जी, और मेरे वॉल्स जो हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हुई हुई हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो डिफरेंट पेंट कंपनीज वगैरह हैं, मैं किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का नेम तो नहीं लूँगी, वॉल्स वगैरह वही करती हैं, ताकि उससे हमारे जो वॉल्स हैं वो अच्छी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएँ. लाहौर की खूबसूरती की क्या बात है, एम ही नहीं कहते कि लाहौर जो है वो लाहौर है. तो मैं ये गुजर रही हूँ इस टाइम केनाल रोड से, बच्चा पार्टी मेरे साथ थी, बहन मेरे साथ थी, तो मैंने कहा चलें ये लोग भी मेरे साथ साथ इंजॉय कर लें. और रास्ते में कुछ खाने पीने की भी क्रेविंग हो रही थी, कुछ मीठा खाया जाए, और मीठा खाने के लिए दिमाग में डिफरेंट जो है वो मुझे चॉकलेट पड़ जाती हैं. फाइनली मैं पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पे. यू कैन सी माय डेस्टिनेशन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो थम्स अप. अच्छा जी, मुझे किसने बुलाया था, विच इज़ शुमाइलाज लंदन. इनकी लोकेशन की बात करें तो ये है एम मलम रोड पे. अ पर्सन हुज नेम इज़ एहसन, जिसने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की. जिनवा मॉल और यहाँ पर जी शुमाइलाज लंदन की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का स्टॉल लगा हुआ है. और जहाँ पर जी स्टाफ की आप लोग बात करें वेरी कोऑपरेटिव, और मेकओवर की बात करें जो एसन ने मेरी 5 मिनट में लुक जो है बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया. वेरी एक्साइटेड, यू कैन सी माय ट्रांसफॉर्मेशन. एंड थैंक यू सो मच शुमाइलाज लंदन एंड हर टीम. एंड मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग आए शुमाइलाज पे. अच्छा जी, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो बहुत जल्दी क्विक वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी. उसके बाद मुझे थी क्रेविंग कुछ मीठा खाने के लिए. मैंने कहा लेयर्स इज़ बेस्टेस्ट ऑप्शन. वहाँ पर मैं गई और वहाँ पर मैंने डिफरेंट वैरायटीज़ देखी, जिसमें चॉकलेट फज हो गया, इनकी कुकीज़ वगैरह हो गई, कपकेक्स, अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट वैरायटीज़. बट मेन मुझे जो पसंद है वो इनकी जो डबल चॉकलेट कुकीज़ हैं, वो कमाल का टेस्ट है उसका. और कपकेक्स भी अच्छे हैं, इनके चॉकलेट मूज वगैरह भी अच्छे हैं. लेकिन मैंने फिर जल्दी से शॉपिंग की, क्योंकि गाड़ी में मेरा सब लोग वेट कर रहे थे. और हाँ जी, मुगी आ गई. फिर मैं चिल्तन
प्योर पे, क्योंकि चिंतन प्योर वालों ने मुझे जी एक कार्ड दिया है जिसके ऊपर जी लॉयल्टी कार्ड होता है जिस पर आपको 25% डिस्काउंट होता है, और बिकॉज आई एम अ मेंबर ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो वहाँ पर हमें वो कार्ड मिला था। तो मैंने कहा चलें कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी कर लें, तो मैं आ गई हूँ नीचे चिंतन प्योर पे। इसकी जो है मैं ये जो फोर्ट्रेस स्क्वायर में, फोर्ट्रेस स्टेडियम में जो फोर्ट्रेस स्क्वायर है वहाँ पर जी इनका एक प्रॉपर जो है वो सेटअप है। ये कैराटीन जो है सुपर डुपर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अच्छा जी, अब आज कल ना हेयर कलर शैम्पूज आ गए हैं जो कि ज़्यादातर दो कलर्स में होते हैं, डार्क ब्राउन और डार्क ब्लैक। इसके अलावा ये इनकी फेशियल किट है, चिंतन प्योर की बेस्टेस्ट चिंतन प्योर फेशियल किट, समर के लिए बहुत अच्छी है। ये इनके डिफरेंट जो है मास्क उनकी वैरायटी है। फिर जी ये आजकल बहुत ज़्यादा हाइप हुई हुई है डिफरेंट सीड्स की, जिसमें मेलन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, पम्पकिन सीड हो गए। इन तमाम सीड्स को ना आप वैसे भी इंटेक कर सकते हैं, या फिर आप जैसे अगर योगर्ट वगैरह खाते हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करके भी आप लोग खा सकते हैं। तो चिंतन प्योर के प्रोडक्ट्स जो हैं ये फुल टाइम 100% ऑर्गेनिक हैं। इनका जी हनी भी है, शैम्पूज भी हैं, एप्पल साइडर विनेगर भी है, कोकोनट ऑयल भी है, ग्रीन टी, कोयटा दूध पत्ती चाय, इट्स रिकमेंडेड। मोरिंगा पाउडर जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करें, मोरिंगा टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करें। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी लाइफ में ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ज़्यादा यूज़ करें। जैसे लेमन ग्रास टी हो गया, आप दोपहर को अगर पिएँ तो बहुत अच्छा लगता है इसको पी के। इसके अलावा जी इनके ऑयल्स हो गए, इनके सीरम्स हो गए, फिर रोज़ वाटर इनका हो गया, कैराटीन शैम्पू, आमला ऑयल, कैस्टर ऑयल, इतनी ह्यूज वैरायटी है चिंतन प्योर की कि आप लोग यहाँ पर जाएं ना तो आपका दिल करेगा कि मैं बस जल्दी से बहुत ज़्यादा चीज़ें ले लूँ। तो रोज़ वाटर जी बहुत अच्छा है, गर्मियों में यूज़ करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया।